नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 3 जनवरी 2020 और 3 जनवरी 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बताऊँगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं कल के क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के मुताबिक भारत किस वर्ष तक जर्मनी को पछाड़कर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? तो 2026 तक भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के मुताबिक। दूसरा क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2020 के मुताबिक पिछले कितने वर्षों में भारत में 5188 किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है? तो दोस्तों दो वर्षों में भारत में 5188 किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है। तीसरा क्वेश्चन है, सरकार ने सभी दूरसंचार कंपनियों को किस नेटवर्क पर परीक्षण के लिए स्पेक्ट्रम देने का फैसला किया है? दोस्तों 5G के लिए स्पेक्ट्रम देने का फैसला किया गया है। चौथा क्वेश्चन है, स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन सी बार ग्लोब साकर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया? तो दोस्तों 6ठी बार इन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया। पांचवा क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितने समय बाद SMS सर्विस फिर से शुरू की गई है? तो दोस्तों 5 महीने बाद, लगभग 5 महीने बाद SMS सर्विस फिर से शुरू की गई है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी फाइलों को शीघ्रता से निपटाने एवं विभागीय कार्यों में तीव्रता लाने हेतु रन थ्रू फाइल्स प्रणाली की शुरुआत की है? तो दोस्तों हरियाणा ने की है। कौन सी प्रणाली? रन थ्रू फाइल्स प्रणाली की शुरुआत हरियाणा ने की है। क्योंकि है तो सरकारी फाइलों की शीघ्रता से निपटाने और विभागीय कार्यों में तीव्रता लाने हेतु। सातवां क्वेश्चन है, किस शहर में भारतीय इतिहास कांग्रेस का 80वां सत्र का आयोजन हुआ? दोस्तों याद रखना भारतीय इतिहास कांग्रेस की बात हो रही है तो कुन्नूर में किया गया। कहाँ? कुन्नूर में किया गया। आठवां क्वेश्चन है, SPG के महानिदेशक का नाम बताइए जिनका कार्यकाल कैबिनेट नियुक्त समिति ने जुलाई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों अरुण कुमार सिन्हा का क्या है? तो SPG के महानिदेशक हैं अरुण कुमार सिन्हा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में किस दिन को विलय दिवस के रूप में अवकाश घोषित किया गया है? तो 26 अक्टूबर को विलय दिवस के रूप में अवकाश किया गया है। क्यों? तो यह कल की करंट अफेयर में मैं बता चुका हूँ। दसवां क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में भारत की सीमा से जुड़े इलाके में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है? तो बांग्लादेश ने भारत की सीमा से जुड़े इलाके में इंटरनेट की सेवा पर रोक लगा दी है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल, खेलो इंडिया खेलो युवा खेल में पहली बार किस खेल को शामिल किया जाएगा? तो दोस्तों किसको शामिल किया जाएगा? उपरोक्त दोनों, मतलब कि लॉन बाउल्स और साइकिलिंग को शामिल किया जाएगा। कौन कौन से गेम को? लॉन बाउल्स और साइकिलिंग को। किसमें? खेलो इंडिया खेलो युवा खेल में इन दोनों गेमों को शामिल किया जाएगा। खेलो इंडिया खेलो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने यह घोषणा की है कि लॉन बाउल्स और साइकिलिंग को इस प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा। दोस्तों अब यहां बात आती है कि यह खेलो इंडिया खेलो युवा खेलों का कौन सा संस्करण है? तो दोस्तों तीसरा संस्करण है। कौन सा? तीसरा संस्करण है। कब होगा? तो इसी महीने होगा। कब? जनवरी 2020 में होगा। कहाँ होगा? तो गुवाहाटी में होगा। कहाँ होगा? गुवाहाटी में। दोस्तों पूछ लिया जाएगा कि खेलो इंडिया खेलो युवा खेल कहाँ होंगे? तो जनवरी 2020 में गुवाहाटी में होंगे। दोस्तों इसका पहला संस्करण कहाँ हुआ था? तो पहला संस्करण हुआ था दिल्ली में और दूसरे संस्करण की बात करें दोस्तों तो पुणे में। कहाँ? पुणे में हुआ था। और तीसरा संस्करण कहाँ होगा? तो गुवाहाटी में होगा। दोस्तों असम से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बिहू कहाँ का नृत्य है? तो दोस्तों असम का नृत्य है। असम के अभयारण्य की बात कर लेते हैं तो काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क कहाँ के हैं? दोनों असम के हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। अब बात आती है कि काजीरंगा क्यों प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। और मानस नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली भैंसों की बहुतायत के लिए यार या नेशनल पार्क प्रसिद्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राष्ट्र कौन बन गया है? दोस्तों पलाऊ पहला राष्ट्र बन गया है सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाने वाला। यह प्रशांत महासागरीय देश है जो कि सन क्रीम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। कौन पहला देश? दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला देश बना है। दोस्तों यहाँ बात आती है कि क्यों प्रतिबंध लगाया है, तो सन क्रीम में इस्तेमाल होने वाले रसायनों से समुद्री जीवों और कोरल खतरे के कारण यह प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों? समुद्री जीवों और कोरल के खतरे के कारण यह प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों यहां बात आई है पलाऊ की, तो पलाऊ की राजधानी क्या है? गोरुलमुड। क्या है? गोरुलमुड। और मुद्रा की बात करें तो यूएस डॉलर। क्या है? यूएस डॉलर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष विको ओ यूसू का निधन हो गया है? तो दोस्तों नागालैंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष थे विको ओ यूसू, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों यह किस पार्टी थे? तो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी NDPP के नेता थे और साथ ही नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष थे। अब बात आती है कि इनका निधन हुआ कैसे, तो कैंसर के कारण हुआ। किस कारण? कैंसर के कारण। दोस्तों यहाँ बात आई है नागालैंड की, तो नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो नेफियो रियोजी हैं। कौन है? नेफियो रियोजी नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो RN रवि जी राज्यपाल हैं नागालैंड के। कौन? RN रवि जी। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हार्निबल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो हार्निबल महोत्सव दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है। प्रमुख त्यौहार है नागालैंड का हार्निबल महोत्सव। दोस्तों यह कब होता है? तो दिसंबर महीने के पहले वीक में। कब होता है? दिसंबर महीने के पहले वीक में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने दृष्टिहीनों को नोट की पहचान के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों मनी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। किस लिए? दृष्टिहीनों को नोट की पहचान के लिए या अब मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों मनी ऐप की फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो मनी ऐप की फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। क्या है? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। दोस्तों बात आती है यह कैसे काम करेगा, तो यह एप्लीकेशन मोबाइल फ़ोन के कैमरे का इस्तेमाल करके नोटों को स्कैन करके नोटों के बारे में हिंदी और अंग्रेजी में जानकारी देगा। कैसे देगा? कैमरे का इस्तेमाल करेगा, नोटों को स्कैन करेगा और उसके बाद नोट के बारे में हिंदी और अंग्रेजी में जानकारी देगा। यह एक इम्पॉर्टेंट बात है, या ऑफलाइन भी काम करेगी, या ऐप ऑफलाइन भी काम करेगी दोस्तों, लेकिन यह नोटों के असली या नकली होने को प्रमाणित नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? नोट के असली या नकली होने को प्रमाणित नहीं करेगा। दोस्तों यहाँ बात आई है भारतीय रिजर्व बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी हैं। सबको पता है शक्तिकांत दास जी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है। दोस्तों लेकिन यह कौन से नंबर के गवर्नर है, तो याद रखना 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के। RBI का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो मुख्यालय है मुंबई में, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उमरो सिस्कोको एब्लो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों गिनी बिसाउ के राष्ट्रपति बन गए हैं उमरो सिस्कोको एब्लो जी। अब बात आती है किसका स्थान लेंगे, तो या जोन्स मारिया वाज का स्थान लेंगे। किसका? जोन्स मारिया वाज का स्थान लेंगे। दोस्तों यहाँ बात आई है गिनी बिसाउ की, तो गिनी बिसाउ की राजधानी क्या है? तो बहुत ही ईजी है, बिसाउ इसकी राजधानी है। कौन? बिसाउ। गिनी बिसाउ की राजधानी बिसाउ। और इसकी मुद्रा की बात करें तो दोस्तों इको है। इको से एक दिमाग में बात आ रही होगी कि अभी 8 अफ्रीकी देशों ने अपनी मुद्रा को फ्रैंक से इको कर लिया है। क्या कर लिया था? फ्रैंक से इको कर लिया था। कितने देशों ने? 8 अफ्रीकी देशों में, उन्हीं में यह शामिल था गिनी बिसाउ। तो इसकी मुद्रा क्या है? इको है। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में विजिट नेपाल ईयर 2020 अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी ने विजिट नेपाल ईयर 2020 अभियान का शुभारंभ किया है। अब इन्होंने कहाँ शुभारंभ किया है इसका? तो काठमांडू के दशरथ रंगशाला में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी ने इसका शुभारंभ किया है। दोस्तों यहाँ बात आ जाती है कि शुभांकर किसे चुना गया विजिट नेपाल ईयर 2020 का? तो पौराणिक जीव येती को चुना गया। किसे? पौराणिक जीव येती को इसका शुभारंभ चुना गया। दोस्तों
विजिट नेपाल ईयर 2020 अभियान का शुभारंभ नेपाल के सभी सातों प्रांतों में किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? नेपाल के सभी सातों प्रांतों में किया जाएगा। दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट एक निकल आया कि नेपाल में कितने प्रांत, कितने राज्य या कितने प्रदेश हैं, तो कितने हैं? सात प्रदेश हैं। और ज़िले की बात करें तो 75 ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? तो 75। और नेपाल में कितने ज़िले हैं? तो 75। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? विजिट नेपाल ईयर 2020 का उद्देश्य क्या है? तो पर्यटन को बढ़ावा देना, उसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना। दोस्तों यहाँ बात नेपाल की हुई तो नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी यही हैं जिन्होंने इसका आयोजन का शुभारंभ किया है। दोस्तों नेपाल के प्रधानमंत्री की बात करें तो केपी शर्मा ओली जी हैं। कौन? केपी शर्मा ओली जी नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। और राजधानी की बात करें तो राजधानी काठमांडू है। और मुद्रा की बात करें तो नेपाली रुपया है। क्या है? नेपाली रुपया यहाँ की मुद्रा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो दोस्तों बंगलोर में हुआ। किसका? भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण का शुभारंभ कहाँ हुआ? बंगलोर में। कल आपको बताया था कि भारतीय इतिहास कांग्रेस का 88वां संस्करण का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो कुन्नूर में हुआ था। और ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस का कहाँ हुआ? तो बंगलोर में हुआ। इतिहास कांग्रेस को पूछ लिया जाए तो कुन्नूर में, और भारतीय विज्ञान कांग्रेस पूछ लिया जाए तो बंगलोर में हुआ। दोस्तों यह नवा मौका है जब बंगलोर में इसका आयोजन होगा। कौन सा मौका? नवा मौका है। और इसका विषय क्या रखा गया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास। क्या रखा गया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास इसका विषय रखा गया है। दोस्तों यहाँ बात कर्नाटक की हुई तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो BS येदियुरप्पा जी हैं। कौन है? BS येदियुरप्पा जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की बात करें तो बाजूभाई वाला। कौन है? बाजूभाई वाला कर्नाटक के राज्यपाल हैं। और राजधानी की बात करें दोस्तों बंगलोर है। दोस्तों यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, और रायपुर दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी। किसकी? रायपुर छत्तीसगढ़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट की नियुक्त समिति ने किसे रेलवे बोर्ड का चेयरमैन पुनः नियुक्त को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों विनोद कुमार यादव को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन फिर से बना दिया गया है। मतलब इनका कार्यकाल एक वर्ष का फिर से बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ाया गया है? एक वर्ष का। दोस्तों यहाँ ऑप्शन की बात कर लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन दिख रहा है डेविड कैलोहोन, तो यह बोइंग के चेयरमैन हैं और 13 जनवरी 2020 में बोइंग के CEO बनेंगे। कौन है? अभी चेयरमैन है बोइंग कंपनी के और 13 जनवरी 2020 में बोइंग के CEO बनेंगे। दोस्तों ये संगीता रेड्डी जी फिक्की की अध्यक्ष हैं, अभी नियुक्त हुई हैं। और निरंजन हीरा नंदानी जी SOCHM के अध्यक्ष हैं। दोस्तों याद रखना, अभी नियुक्ति हुई हैं इसलिए बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ बात हुई है रेलवे की, तो पहले रेल मंत्री कौन है? दोस्तों जॉन मथाई जी। कौन? पहले रेल मंत्री है जॉन मथाई जी। और पहली महिला रेल मंत्री पूछ दी जाए तो ममता बनर्जी हैं। कौन है? ममता बनर्जी। और वर्तमान रेल मंत्री की बात करें तो पीयूष गोयल जी हैं। कौन? पीयूष गोयल जी। पहले रेल मंत्री जॉन मथाई जी, पहली महिला रेल मंत्री की बात करें तो ममता बनर्जी, और वर्तमान रेल मंत्री की बात करें दोस्तों पीयूष गोयल जी हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की पहली दो तिमाही में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों इंदौर, इस बार भी इसने बाजी मार ली है और पहली दो तिमाही में इंदौर शीर्ष पर रहा है। किसमें? 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शीर्ष पर रहा है। अब बात आती है कि 1 लाख से 10 लाख की आबादी में शीर्ष पर कौन रहा है? तो दोस्तों जमशेदपुर रहा है। 1 लाख से 10 लाख की आबादी में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में पहली दो तिमाही पर शीर्ष में रहा है जमशेदपुर। और 10 लाख से अधिक की आबादी की बात करें तो इंदौर रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने अरुंधति स्वर्ण योजना के तहत शादी में दुल्हन को 10 ग्राम सोना देने की घोषणा की है? दोस्तों असम सरकार ने घोषणा की है अरुंधति स्वर्ण योजना के तहत दुल्हनों को 10 ग्राम सोना देने की घोषणा की है। दोस्तों इस योजना में 800 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। कितने? 800 करोड़ रुपए हर साल खर्च करने होंगे। इस योजना की शर्तें क्या होंगी? तो दुल्हन की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? दुल्हन की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और दुल्हन 10वीं पास होनी चाहिए और साथ ही साथ उसने अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन भी करवाया होना अनिवार्य है इसमें।
दोस्तों बात हुई है असम की, तो असम के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? सर्बानंद सोनोवाल जी असम के मुख्यमंत्री हैं। कौन? असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। और राज्यपाल की बात करें दोस्तों जगदीश मुखी जी। कौन? जगदीश मुखी जी। और राजधानी की बात करें दोस्तों दिसपुर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रिलायंस रिटेल लिमिटेड ने जियो मार्ट की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में रिलायंस रिटेल लिमिटेड ने जियो मार्ट की शुरुआत करने की घोषणा की है। कहाँ? महाराष्ट्र में। तो रिलायंस रिटेल लिमिटेड ने जियो मार्ट को क्या कहा है? देश की नई दुकान कहा है। जियो मार्ट को क्या कहा है रिलायंस रिटेल लिमिटेड ने? देश की नई दुकान। कहाँ शुरुआत होगी? तो नवी मुंबई, ठाणे और कल्याण में। कहाँ? नवी मुंबई, ठाणे और कल्याण में इसकी शुरुआत होगी दोस्तों। और इसके साथ ही जियो मार्ट ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। क्या? इसके साथ ही जियो मार्ट ऐप भी जल्द लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। यहाँ बात हुई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे जी हैं। और उप मुख्यमंत्री की बात करें तो अभी बनाए गए हैं अजीत पवार जी। और यहाँ के उपराज्यपाल की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी जी यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो मुंबई है, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है दोस्तों। विश्व प्रसिद्ध अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में है अजंता और एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस राज्य की विधानसभा ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है? दोस्तों केरल राज्य सरकार ने सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया है दोस्तों। सीएए का फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्या होता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्या होता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा कब तक कर दी है? तो 31 मार्च 2020 तक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा कर दी है दोस्तों। सरकार ने 8वीं बार आधार को पैन से जोड़ने की समय सीमा बढ़ाई है दोस्तों। यहाँ बात हुई है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो पीसी मोदी जी हैं। कौन है? पीसी मोदी जी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1964 को हुई थी, मतलब कि 1964 को हुई थी दोस्तों। कल आपसे पूछा गया था कि भारतीय ओलंपिक संघ ने राष्ट्रमंडल खेलों के बहिष्कार का निर्णय वापस ले लिया है, वह कहां आयोजित होंगे? तो बहुत से बच्चों के कमेंट आए हैं और कमेंट ऑलमोस्ट सही हैं। ऐसे ही आप कमेंट करते रहिए और सीखते रहिए करंट अफेयर के बारे में जानकारी, और अपना करंट सेक्शन आप मजबूत कर लीजिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? बर्मिंगम। कब होंगे? तो 2020 में राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंगम में 2020 में होंगे दोस्तों। आज का सवाल है, एसपीजी के महानिदेशक का नाम बताइए जिनका कार्यकाल कैबिनेट नियुक्त समिति ने जुलाई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है और आप बताया जरूर करें, क्योंकि आप जो बताते हैं या डिस्कस करते हैं या लिखते हैं वह आपको हमेशा याद रखता है दोस्तों। दोस्तों यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका प्यार ही हमें मोटिवेट करता है कि आपको निरंतर प्रयासों से कुछ ना कुछ ऐसा दे सकूँ जो आपको सफलता दिला सके। जय हिंद।